अभी शाम के 4 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं डीजल भरवाने के लिए, हम टैंक फुल करवाने के लिए जा रहे हैं। कल का हमारा यहाँ से रंगरिक से वापस निकलने का प्लान है घर के लिए। तो अभी तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि शेगो तक कोई अब लॉन्च नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे अभी आज टैंक फुल करवा देंगे और शेगो तक निकलने की कोशिश करेंगे। शेगो काजा से 7 किलोमीटर आगे वहाँ पे लामा जी का होम स्टे है, हम वहाँ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से आगे का पता शेगो में ही चल पाएगा कि वहाँ से आगे क्या रोड के हालात क्या हैं। गाड़ी में पीछे टोस्ट है पड़ा है ना, उसको भंसा उनकी ऊप किसी और मेरी ऊप से। बोलो लाइन देखे, लाइन कहाँ है, आप बैठ जाओ।
ये इन्होंने यहाँ पर दूसरी बार तार फंसा दिया है। आई डोंट नो, इनको लाइन नहीं दिख रही है। अरे यार, ये ट्रैक से बाहर जा रहे हैं। अरे अभी तो आपकी गाड़ी सामने खड़ी है यार। एक्चुअली थार चलते चलते हर वक्त फंस रही थी, कभी इधर घुस रही थी, कभी उधर घुस रही थी। तो स्नो चेन नहीं थी थार में, टायर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, टायर में हवा प्रेशर कम नहीं किया था इन्होंने। और यहाँ पे आके पता लगा कि इसका ब्लोअर भी काम नहीं कर रहा है, ब्लोअर काम नहीं कर रहा है, इसमें ब्लोअर है ही नहीं। वो कह रहा था कि इनको आगे जो शीशा है उसके ऊपर तो आई जम गई थी, जिसके कारण इनको आगे कुछ भी दिख नहीं रहा था, दैट्स व्हाई गाड़ी इधर उधर जा रही थी। गड्ढा है उधर शायद, अभी क्या है थार फंस गई है यहाँ पे रिवर्स करती बार। तो एक तो इसके थार के पास स्नो चेन नहीं है, दूसरा टायरों में हवा बहुत ज़्यादा है। ये पिछले 2-3 दिन से एक ही जगह पे खड़ी हुई थी। कोई बात नहीं, अभी मत निकालो, बाद में निकालना हवा। अरे सर अभी बाद में निकाल लेंगे, इसको साइड में लगा देते हैं पहले। अरे सर खड़ी करके जानी है, भर के चलवाएंगे आपकी। पंप है अपने पास। दिनेश आप साइड में हो जाओ, उस साइड जाओ, उस साइड।
कर रही है जिमनी खींचने की कोशिश। यो वाह, खींच दी। अब तो अनु सोच रहा है कि मैं इसको काजे ही ले जाऊं खींचते। एक्चुअली हम अभी तेल डलवाने जा रहे थे गाड़ी को, टैंक फुल करवा लेते हैं, डीजल डलवा लेते हैं। बट यहाँ पे बहुत जोर का तूफान आया, हम काजा से कोई अप्रोक्स 1 किलोमीटर पीछे हैं। यहीं से हिकम और लांगजा को जो रोड है वो हिकम और लांगजा को जाता है, हम उसी रोड के आसपास उसी रोड के नीचे काजा के रोड की तरफ जा रहे हैं। पर तूफान इतना है कि कुछ दिखने को नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम एक और है कि ओ शिट, चलो विजिबिलिटी आगे दिखना शुरू हो गया। फिर अब दिनेश थोड़ा धीरे चलना, विजिबिलिटी ऊपर से अगर तूफान आ रहा है तो हमको कुछ नहीं दिख रहा है। अनुज आप भी ध्यान रखो, पीछे से ध्यान रखो गाड़ियों का। दिनेश चलो आप, दिनेश गलत लाइन पे जा रहे हो आप। ओके ओके अभी ठीक है, दिनेश गलत लाइन पे जा रहे हो, गलत लाइन पे लेफ्ट साइड काटो, राइट साइड काटो गाड़ी को, राइट साइड और राइट साइड और राइट साइड दिनेश, गुड गुड गुड, अब लाइन पे आप। अच्छा जब तूफान आ रहा है तो दिनेश आगे चल रहा है, मुझे लगता है मैं जो सहारे पे चल रहा हूँ, दिनेश की गाड़ी मेरे को दिख रही है तो मैं उस सहारे पे चल रहा हूँ, जबकि मुझे लगता है दिनेश को कुछ दिख रहा होगा आगे, दैट्स व्हाई ये अपनी लाइन ही जरूर छोड़ रहा है। तूफान की हालत ऐसी है कि 10 मीटर पे 20 मीटर पे हमको दिनेश की गाड़ी नहीं कई बार दिख रही है। आई डोंट नो अभी पेट्रोल पम्प भी खुला होगा कि नहीं खुला होगा। किनके
चलो जी। यार अच्छा फोन तो काम ही नहीं कर रहा ना, है ना? अगर फोन काम करता तो बोल देते हम लोग, है ना? आज का तो शायद हमारा दिन ही ख़राब है। काजा गए थे, वहाँ पे डीजल नहीं मिला और स्नो स्टॉर्म में और फंस गए। अभी स्नो स्टॉर्म से निकल के हम होटल जाएंगे, कल मॉर्निंग में कोशिश करेंगे यहाँ से निकलने के लिए।